देश में आज ईद उल फितर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में हजारों अकीदतमंदों ने ईद की नमाज अदा कर देश की खुशहाली और तरक्की की दुआ की। वहीं ईद के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सपा नेता राजेंद्र चौधरी, लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे देश और उत्तर प्रदेश वासियों को ईद की बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है। यहां हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ाती है। साथ ही हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति को और मजबूत करती है। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल करके मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म पे, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, ये हमारी मिलीजुली संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिलीजुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के रह करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे।